पहले क्या करिए, आप फॉर्मूला वन का डिब्बा है, आपको इसको इस तरह से काटना है, ये नया डिब्बा है, इसको इस तरह से काटना है कि ये पूरा ना कटे और ये इतना पार्ट रह जाए। ये इसको मैंने जानबूझ के इस तरह से काटा है। ये देखिए इसके अंदर एक स्पून है, ये देखिए। आप जब स्पून से इसका पाउडर निकालोगे तो ये पूरा जैसे भरा हुआ है, अगर आप इसको ऐसे करके निकालोगे तो इसका जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो ये अंदर डिब्बे के अंदर चला गया। इसी वजह से मैंने इसको इस तरह से काटा। अब आप क्या करो, ये एक मग में आधे से थोड़ा सा ऊपर, आधा भी ले सकते हो, आधे से थोड़ा ऊपर पौना गिलास या पौना कप है ये, आप पानी डालो मिक्सी के जार। उसके बाद आप तीन चम्मच लो फॉर्मूला वन का, तीन चम्मच, एक, दो, तीन। तीन चम्मच फॉर्मूला वन लेने के बाद आपको इसमें डालना है एक चम्मच प्रोटीन। एक चम्मच प्रोटीन डालने के लिए, ये प्रोटीन का डिब्बा भी मैंने ऐसे ही काटा हुआ है, और इसका प्रोटीन देखिए ये पूरा ना भरे इसलिए इसको ऐसे बिल्कुल लेवल में लाने के बाद डाल, ठीक है। अब ये तीन चम्मच ये हो गया फॉर्मूला वन, एक चम्मच प्रोटीन हो गया। अब आपको ये मिक्सी को बंद करके चलाना है 15 सेकंड के लिए। ये आप मन में इसके लिए 15 सेकंड तक काउंटिंग भी कर सकते हो, 1 2 3 4 काउंटिंग कर लिया 15 सेकंड तक। उसके बाद आपको एक मिनट के लिए इसको छोड़ देना। एक मिनट छोड़ने के बाद वापस से 15 सेकंड चलाना है, और आप 15 सेकंड जब चलाओगे उसके बाद आप इसको 15 सेकंड तक फिर से चलाओ। अब कितना मिनट हो चुका है, आई थिंक अब एक मिनट हो गया। अब 15 सेकंड करने के लिए आपको फिर से काउंटिंग करनी है, और ये देखिए चाहती हो कि ये ज़्यादा थिक बने तो आपको एक मिनट का वेट और करना है, और उसके बाद वापस से इसको 15 सेकेंड के लिए चलाना। और अगर चाहते हो कि नहीं, ज़्यादा थिकनेस नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मुझे ज़्यादा थिक नहीं पसंद है, तो मैं दो बार ही चलाती हूँ। इसके बाद आपका ये देखिए इतनी थिकनेस का ये कंटेंट आपका तैयार। ये आपका लगभग एक मग से, ये देखिए अभी भी थोड़ा सा इसमें रह गया है, एक मग से थोड़ा ज़्यादा बनता है। और उसके बाद आप अपना शेक बैठ करके आराम से एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।